और हमने ईद के लिए ये जो कपड़े लाए हैं ना, ये ईद से पहले ही लगा दिए हमने। और इसके ऊपर जो है वो पूरा टेंट आएगा। क्या आएंगे इसमें? आजा मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज है 9 अप्रैल 2024। ईद कब है पहले वो बताएं हमें। आज सभी दिख रहे हो एक ही जगह पे, सबको एक ही टाइम पे ना वॉश करना ज़रूरी है। पहले आज दिन भर हमें ईद के लिए तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें लानी है। क्या लाना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, दिल थाम के बैठिए और इन्जॉय करिए। बिस्मिल्लाह, आज बेस्ट में ही जाएंगे। अरे अरे अरे, बीस्ट जब स्टार्ट करते हैं ना, क्या साउंड आती है यहाँ से, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने बीस्ट में। और अच्छा खासा टाइम निकाल के ना हमें आज सबकी वॉशिंग करनी है। छोटा दिख रो बीस्ट की, और बड़ा दिख रो और इस गाड़ी की, अच्छा खासा टाइम निकाल। और यहीं पे हम वॉश करेंगे अपने आंगन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सब सही है। ये कैमरा मेरा इधर ही होता है, ये मुझे कभी कभी हेल्प करता है, क्योंकि दो तीन कैमराज मुझे लगा के होते हैं सामने, और ये वाला कैमरा भी बहुत हेल्प करता है। इसके बारे में हम आगे जाके बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें ना रूफ टॉप आएगा विद इन 1 वीक आएगा, वो फटाफट से ऊपर रूफ टॉप लगाना है, फिर हमें निकलना है। आपको वो चीज़ें दिखानी है ना जो आपने नहीं देखी होगी। बिस्मिल्लाह, साउंड चेक करवाए। हमारे गेट पे क्या लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामुन्नास को इतला की जाती दी जाती है कि नमाज ईद मरकजी ईदगाह सईमू में ठीक 7:45 AM पर अदा की जाएगी। मस्तूरात के लिए मुतसल मस्जिद शरीफ ईद नमाज की अदायगी का इंतज़ाम किया गया है। दैट मीन्स औरतों के लिए भी अलग से इंतज़ाम किया गया है सईमू में, हमारे इलाके में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख कर। लो जी भाई, खूबसूरत सा नजारा। ओए होए 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 होए, साउंड चेक करो आज बीस्ट की। ओ भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग। आज बहुत टाइम के बाद ना, मुझे लग रहा है पहली बार आज मैंने आप सबको अच्छे से साउंड, मैंने आपको नहीं सुनाया वो कभी, सुनाएंगे। लेकिन बाहर चेक करो भाई, क्या मौसम है भाई साहब, इतना ट्रैफिक जाम, मैं निकला ही क्यों था घर से, पसीने छूट गए मेरे। अभी एक भी चीज नहीं लाई हमने, इतना ट्रैफिक जाम मार्केट में, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकले कहाँ से जाए। अभी मैं एक वर्कशॉप पे आ गया क्योंकि मुझे इनसे बात करनी है, हमारा टेंट जो आएगा एक हफ्ते के बाद। सलाम अलैकुम, ठीक छुआस असल पर छुआस अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हज नहज नहज। तो हमारा टेंट जो आएगा ना एक हफ्ते में वो आएगा इंशाल्लाह, उसके लिए हमें इनसे बात करनी है कि इस पे क्लिप्स वगैरह लगाने हैं, क्योंकि टेंट ऊपर रहेगा छत के ऊपर, और वहीं पे वो बंद भी होता है, खुलेगा भी, वो मैं दिखाऊंगा सारा प्रोसेस। थोड़ा सा डेमो में आपको दिखाऊंगा, टेंट हमारा लगेगा यहाँ पे, इधर एक क्लिप लगेगी शायद, अभी बात करनी है इनसे, और दूसरा इधर लगेगा, और इसके ऊपर जो है वो पूरा टेंट आएगा इसके ऊपर, और उसकी 2-3 फीट उधर की और वो बढ़ेगा, वो मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी मुझे लग रहा है या तो हमें दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से हमें स्टैंड करना है कुछ जिस पे फिर टेंट रहेगा और उसका वो जो कैरियर वगैरह होता है, या हमें यहाँ से रॉड लानी है यहाँ तक नीचे किसी जगह पे फिक्स करनी है ताकि वो टेंट का वजन उठा सके। विल सी, 2-3 ऑप्शंस है हमारे पास। तो तब तक हम आज गाड़ी में अलाइनमेंट भी करेंगे बहुत टाइम के बाद, क्योंकि हमें निकलना है तीसरी ईद, थर्ड डे ऑफ ईद या सेकंड डे ऑफ ईद हमें निकलना है, उसके लिए हमें फुल प्रिपेयर होना है। अलाइनमेंट करेंगे अपने बीस्ट की, और बहुत सारी चीज़ें नीचे जो है नट वगैरह देखेंगे क्लियर है क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें चल रही है, क्योंकि पहले तो अल्लाह के भरोसे हम चलते हैं, दूसरा इसके भरोसे। हाँ जी भाई साहब, ये फ्री व्हील हब जो है ना, कल हम गए थे कैंपिंग पे, तो वहाँ पे मैंने इसका थोड़ा टेस्ट किया, ये लो। और आपके हाथ गंदे हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं,
आई डोंट नो, ये नट इसमें फंस गया, ये कैसे निकलेगा। हाँ जी, अभी काम हो गया, आगे की और बढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीजें लाना बाकी है, लेकिन टेंट वगैरह का मसला ऑलमोस्ट हो गया। क्या ट्रैफिक है यार, क्या मैस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले मुझे इस पे नजर पड़ गई दूर से, इसलिए ना मैं ना ये लग रहा, हाँ ये ट्रैवल में लगता है खत्म हो गए थे। अभी हम रखेंगे मसाले और भी बहुत चीजें रखेंगे, दिखाऊंगा। ओहो, ये सोप भी हमें रखना है, और यहाँ से लाइन तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह। यहाँ पे हमें थोड़े से फूड किट्स दो चार बनाने हैं, उसमें क्या क्या रखेंगे हम वो मैं दिखाऊंगा। इसमें एक दो, ये हो गए एक दो तीन चार, बिस्मिल्लाह करते हैं। हेलो बिग चाय हल्दी विस्सो, एक दो तीन चार पाँच, मुझे बैटरी पकड़ना सर, बैटरी पकड़ मेरे को मुझे पूछिए आप कौन सी सर। क्या आएंगे इसमें, ये आएगा इसमें पूरा कि नहीं। और भी है उधर उधर, अभी काम के बाद S3 सुपरमार्ट हमारे भाई साहब बैठे हैं, आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और S3 सुपरमार्ट त्राल, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी, और हमें भी बहुत सारी चीजें लेनी है। ये वाला सेक्शन नहीं लेना है भाई साहब, हमें यहाँ से खाने के लिए चीजें लेनी है। How is it? कैसा है भाई लोग? डेट्स का सिलसिला हो गया खत्म, क्योंकि माह रमजान को अब अलविदा करने वाले हैं हम। इतर स्पेशल इतर, चले जी ये हो गया हमारा स्टॉक। घर का काम हो गया, घर का काम तो घर का काम हमने पेंडिंग रखा था, तो नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। वैसे आप लोग बाहर क्या लाते हैं ईद के दिन? हम यहाँ पे स्पेशल ना ज्यादा से ज्यादा रोटियां लाते हैं, केक्स लाते हैं। और बिस्मिल्लाह ये हो गया, अभी आगे की और बढ़ेंगे, बहुत सारा काम बाकी है। बिस्मिल्लाह भाई साहब, सबसे पहले ना घर की चीजें लाने से पहले, सारा काम छोड़कर पहले मुझे इनके लिए मैंने नियत रखी थी कि मैं फूड किट्स बनाऊं, और ये मुझे ईद से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब में लिख के था तो कंप्लीट भी हो गया। अभी हमें बांटने हैं, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगा कहाँ पे क्या देना है। भाई हमारा बीस्ट कितना खूबसूरत लगता है ना इधर इस खूबसूरत से नज़ारे में। लेट्स गो, अभी
बहुत काम बाकी है। चलो भाई बिस्मिल्लाह। ये खूबसूरत सा माहौल और सेकेंड डे ऑफ ईद पे ना हम ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और कैंपिंग तो अब दबा के होगी ईद के बाद। चलो भाई लोग घर, क्योंकि ये सारे फूड किट्स ना हमें उस गाड़ी में रखने हैं। इस गाड़ी में हम ये नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि ये बीस्ट हमारा शोर बहुत करता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि साइलेंट तरीके से जाएंगे तो अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। चलो जी भाई लोग, इस वाली गाड़ी में आज काम करने है ना। सब लोग बता रहे कि ईद कल है, अब आप लोग बताएं कि कब है, क्योंकि ये आज शाम को ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे लग रहा है पहला वीडियो ये होगा, आज दिन में ही बनाया और आज दिन में ही अपलोड भी किया। यहां से इतना ऑफ रोड है ना, मुझे लग रहा है हम बड़ी गाड़ी में ही ठीक थे। चलिए जी भाई साहब, ये है अभी इफ्तारी के बाद हमारे मार्केट की चहल पहल, सब लोग घरों की ओर। और मार्केट अभी शांत है, इतनी भीड़ इतना रश था आज दिन भर हमारे त्राल में। अभी सीधा मैं इफ्तारी के बाद, नमाज के बाद ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आज दिन भर बहुत थक गए, बहुत हैक्टिक दिन था और मैंने सोचा ये दिन मैं आप सबसे शेयर करूँ। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे की ओर मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल हम घर पहुँचते हैं। वैसे घर हम गए, घर में हमने इफ्तारी की अच्छे से, उसके बाद हम नमाज के लिए निकले थे अभी। और हमने ईद के लिए जो कपड़े लाए हैं ना, ये ईद से पहले ही लगा लिए हमने, अच्छा है। चलो भाई अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ईद पे स्पेशल वीडियोस मिलेंगे और ईद के बाद हम फुल एडवेंचर ट्रैकिंग, बहुत सारी जगह है आपको दिखाना बाकी है। तो या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह एंड आई लव यू ऑल।